7 अप्रैल की शाम पुष्पा 2 से अल्लू अर्जुन का फर्स्ट लुक पोस्टर रिलीज किया गया, जिसका फैंस को बेसब्री से इंतजार था। हालांकि फैंस को पुष्पा 2 से ये उम्मीदें थी कि इसमें भी अपना पुष्पा टेढ़ी गर्दन किए अपना सिग्नेचर स्टेप करता नजर आएगा। हाथ में बंदूक, बदन पर लुंगी बांधे पुष्पा अपने दुश्मनों से लड़ रहा होगा। लेकिन हुआ इससे कुछ उल्टा। टेढ़ी गर्दन किए पुष्पा राज नजर तो आए, लेकिन पूरे नीले रंग में पोते हुए। इस नए पोस्टर में पुष्पा की शरीर पर साड़ी, एक हाथ में पिस्तौल, लेकिन उसी हाथ के नाखूनों पर नेल पेंट लगी है। हाथों में चमकते हुए गोल्डन कंगन है और इसके साथ ही गले में कच्चे नींबू की माला उनके लुक की शोभा को और भी ज्यादा बढ़ा रही है। अल्लू अर्जुन का ये नया लुक फैंस को काफी हैरान करने वाला है। अगर आपने पुष्पा द राइज देखी है तो आप जानते होंगे कि पुष्पा राज का फीमेल कैरेक्टर की तरफ कैसा नजरिया था। मेकर्स ने उस पूरे नोशन को इस पूरे पोस्टर से बिल्कुल उलट करके रख दिया है। सोशल मीडिया पर पुष्पा का लुक रिलीज होने के बाद मानो तहलका मच गया हो। लोग इस लुक का कनेक्शन समझना चाह रहे हैं। वहीं कुछ का कहना है कि ये कांतारा का असर है। हालांकि कांतारा कर्नाटक की एक परंपरा पर आधारित कहानी थी। बताया जा रहा है कि अल्लू अर्जुन के इस लुक का भी एक धार्मिक परंपरा से कनेक्शन है। कुछ यूजर्स ने पॉइंट आउट किया है कि ये लुक चित्तूर की गंगम्मा जातरा से इंस्पायर्ड है। अब अल्लू अर्जुन के इस लुक पर एक अलग ही तरह की कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट हो चुकी है। पुष्पा के इस लुक को चित्तूर की गंगम्मा जातरा से जोड़कर देखा जा रहा है। तो चलिए अपनी खास रिपोर्ट में हम आपको बताते हैं कि आखिर क्या है गंगम्मा जातरा। गंगम्मा जातरा एक फोक फेस्टिवल है जिसे कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में मनाया जाता है। 7 दिनों तक चलने वाली गंगम्मा जातरा हर साल मई के महीने में मनाई जाती है। इस दौरान भव्य पूजा की जाती है। कुछ जगह देवी को प्रसाद के तौर पर मांसाहारी भोजन चढ़ाया जाता है। 7वीं से बीच के 2 दिनों में यात्रा निकाली जाती है, जहां पुरुष अपना वेश बदल कर आते हैं, महिलाओं की तरह सज कर उनकी तरह श्रृंगार कर इस यात्रा में हिस्सा लेते हैं। हो सकता है कि पुष्पा 2 में अल्लू अर्जुन किरदार भी ऐसी किसी यात्रा में हिस्सा ले रहा हो, तभी उसने ऐसा भेष बनाया है। भगवान से जुड़ी परंपराओं की रूट्स किसी न किसी मान्यता में छुपी होती है, फिर चाहे वो परंपरा देश के किसी भी राज्य से आ रही हो। गंगम्मा जातरा को लेकर चित्तूर और तिरुपति में अलग अलग मान्यताएं चलती हैं। बताया जाता है कि बहुत सालों पहले चित्तूर में एक जानलेवा बीमारी फैली थी। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि इस बीमारी को कैसे खत्म किया जाए। ऐसे में गांव के मुखिया ने एक उपाय बताया कि पूरे गांव को हल्दी के पानी और नीम से पवित्र किया जाए। चित्तूर में होने वाली गंगम्मा जातरा का जन्म इसी से हुआ। वहीं तिरुपति में मनाई जाने वाली गंगम्मा जातरा की कहानी बिल्कुल अलग है। लोग ऐसा मानते हैं कि किसी जमाने में तिरुपति और आसपास के इलाकों पर पलंगुडलू नाम का आदमी राज करता था। वो एकदम दुष्ट दुराचारी किस्म का आदमी था, महिलाओं पर बहुत ज्यादा अत्याचार करता, उनके साथ दुर्व्यवहार करता। ऐसे में आविलल नाम के एक गाँव में देवी का जन्म हुआ। इंटरनेट पर जो कहानी मौजूद है वो ये बताती है कि बड़ी होने पर देवी एक सुंदर महिला बनी। पलंगुडलू की नजर उस पर पड़ी और उसने उसके साथ व्यवहार करने की कोशिश की। देवी ने बदले में उस पर हमला कर दिया, लेकिन वो वहां से बचकर निकला और किसी अनजान जगह पर जाकर छुप गया। उस आदमी को बाहर निकालने के लिए देवी ने एक यात्रा का आयोजन किया। तिरुपति के लोग विचित्र वेशभूषा में बाहर निकलते, गंगा माँ को कोसते और यात्रा के 7वें दिन जो शख्स दुर्व्यवहार करता वो बाहर निकल आया। जैसे ही वो बाहर आया तभी गंगा माँ देवी ने उसे मार डाला। अगर पुष्पा 2 में पुष्पा राज यात्रा में हिस्सा लेता है तो मुमकिन है कि वो अपने किसी दुश्मन को मारने के लिए ही ऐसा करेगा। अल्लू अर्जुन के इस लुक को इसी गंगम्मा जातरा से जोड़कर देखा जा रहा है। पुष्पा द रूल का फर्स्ट लुक पोस्टर आने के बाद फिल्म का टीजर भी रिलीज किया गया, जहां पर पुष्पा गायब नजर आ रहा है। दावे किए जा रहे हैं कि पुलिस ने उसे मार डाला है, लेकिन लास्ट में जाकर रिवील किया जाता है कि पुष्पा जिंदा है। आपको बता दें कि मेकर्स ने पुष्पा 2 की रिलीज डेट को अनाउंस नहीं किया है, लेकिन टीजर को देखने के बाद फैंस की एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ गई है। अल्लू अर्जुन का पुष्पा 2 से ये जो नया लुक सामने आया है, इस पर क्या है आपकी राय, जल्दी से हमारे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। अगर आपने फिल्मी बीट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आप हमारे ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे भी लाइक कीजिए। बॉलीवुड टीवी से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए फिल्मी बीट।